पृथ्वी, हमारी सौर प्रणाली में सिर्फ यही जीवन मौजूद है। फिर भी अपने पूरे इतिहास में हमारी दुनिया ग्रहों के प्रहारों को झेलती रही है। पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करने वाली कोई भी चीज किसी भी दिन पृथ्वी से टकरा सकती है। इस समय भी कई ऐसी भारी भरकम ग्रहीय संरचनाएं ब्रह्मांड में घूम रही हैं, जो पृथ्वी से कभी भी घातक रूप से टकरा सकती हैं। ये यूं होगा जैसे सारी धरती के हथियार एक साथ फट गए हों, जैसे हम सारी दुनिया में हो रहे हिरोशिमा विस्फोटों के पास खड़े हों। हमारा शरीर पूरी तरह फटकर उड़ जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और पूर्व अंतरिक्ष यात्री बिना संघर्ष किए हार मानने को तैयार नहीं हैं। इससे पहले कि ये कॉस्मिक किलर्स हमें मार सकें, ये लोग इन्हीं का पीछा करने में लगे हैं। पृथ्वी हमारी सौर प्रणाली में किसी नीलम नामक मणि की तरह चमकती है। हम यहां बेफिक्री से अपने दिन गुजारते रहते हैं, बिना ये सोचे कि अंतरिक्ष के सुदूर हिस्सों में मौजूद कोई आफत हमारी तरफ बढ़ती आ सकती है। हमारा सोलर सिस्टम एक अम्यूजमेंट पार्क जैसा है। पृथ्वी और इसकी ज्यादातर चीजें सूर्य के इर्द गिर्द एक तयशुदा मार्ग बनाती हैं। आमतौर पर सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन कभी कभी हालात हिंसक और अफरा तफरी से भरे भी हो जाते हैं। पृथ्वी पर स्पेस रॉक्स टकरा सकती हैं। ये अंतरिक्ष के खतरनाक मौसम से बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं और वस्तुओं की ऊर्जा और ब्रह्मांड की शक्तियों से हिल भी सकती हैं। पृथ्वी एक कॉस्मिक थ्रिल राइड है और इस राइड में अक्सर बहुत जबरदस्त खतरे होते हैं। जब आप तय रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि रास्ते में कोई नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे हालात में आप कुछ नहीं कर सकते। पूर्व अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वाइकर्ट जानते हैं कि ब्रह्मांडीय वस्तुएं कितनी खतरनाक हो सकती हैं। 1969 में वो अपोलो 9 मिशन के दौरान ल्यूनर मॉड्यूल को संचालित कर रहे थे, लेकिन आज श्वाइकार्ट ब्रह्मांड की यात्रा से कहीं आगे के अनुभव के लिए भी तैयार हैं। वो एक एस्टेरॉयड के खतरों के बारे में लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, जिसका नाम है एपोफिस। ये 2004 में पृथ्वी के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था। इसकी पृथ्वी से टकराने की आशंका काफी ज्यादा थी, इसलिए इसकी तरफ लोगों का फौरन ध्यान गया। उस समय तक हम टक्कर के असर के बारे में जितना कुछ जानते थे, इसकी टक्कर का असर उससे भी ज्यादा होने वाला था। श्वाइकार्ट के पास एक खौफनाक मिसाल है कि एपोफिस से छोटे एस्टेरॉयड के भी पृथ्वी से टकराने पर कितने विनाशकारी नतीजे निकल सकते हैं। 30 जून 1908 सुबह के 7:15 बजे थे। फुटबॉल के फील्ड से आधे आकार की एक चीज 34,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से अंतरिक्ष से रवाना हुई। इसके पीछे पीछे गर्म गैस की एक लहर पैदा हो गई। कुछ ही मिनटों में आग की ये गेंद हमारे वातावरण में दाखिल हो गई और साइबेरिया के टुंगस्का के ऊपर बड़े जोर से फटी। आधुनिक मानव इतिहास में ये पृथ्वी पर हुआ सबसे बड़ा धमाका था। इस धमाके से लगी आग में रोड आइलैंड जितने बड़े इलाके के आधे हिस्से में मौजूद 8 करोड़ पेड़ जल गए। सौभाग्य से इस विस्फोट के सीधे नतीजे में किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि यहां आबादी नाम मात्र को ही थी। अगर ये एस्टेरॉयड धरती पर कुछ एक घंटे बाद गिरता तो ये साइबेरिया नहीं बल्कि यूरोप के ऊपर गिरता, और अगर ये यूरोप के किसी शहर के ऊपर हवा में ही फट जाता तो करीब 10 लाख लोग फौरन मारे जाते। पिछले 100 साल में टुंगस्का में हुआ विस्फोट विवादों में घिरा रहा है। आज बहुत से वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि यह धमाका किसी एस्टेरॉयड के कारण ही हुआ था,
हैरानी की बात यह है कि ये जमीन से नहीं टकराया, बल्कि ये तो साइबेरिया की जमी हुई जमीन से 5 मील ऊपर फटा। कोई छोटा पथरीला एस्टेरॉयड एटमॉस्फेयर को नहीं झेल सकता, और जब ये करीब 50,000 मील प्रति घंटा की रफ्तार से लोअर एटमॉस्फेयर में टकराता है तो यूं लगता है जैसे कोई अंडा कंक्रीट पर चूर चूर हो गया हो। साइबेरिया पर हुए विस्फोट में 15 मेगाटन टीएनटी जितनी ऊर्जा निकली थी, यानी हिरोशिमा से 1000 गुना ज्यादा। अगर ऐसा किसी बड़े शहर के ऊपर हो जाए तो उसका तो नामो निशान ही मिट जाएगा। वैज्ञानिक इन अतिक्रमण करने वाली चीजों को नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स या एनईओ कहते हैं। ये वो एस्टेरॉयड और कॉमेट होते हैं जो ग्रहों की निर्माण प्रक्रिया में बाकी बचे रह जाते हैं। कॉमेट ओट क्लाउड और काइपर बेल्ट में दाखिल हो जाते हैं जो प्लैनेट नेपच्यून के बाहर दिखाई देती है। एस्टेरॉयड जुपिटर और मार्स के बीच घूमते रहते हैं, लेकिन परिधि में इनका ये सफर हमेशा एक सा नहीं होता। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच वाली एस्टेरॉयड बेल्ट में घूमते रहते हैं, हम इनकी परवाह नहीं करते, लेकिन जब इनमें से कोई एक छिटक कर अपनी पूरी एनर्जी के साथ पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो एस्ट्रोनॉमर्स को चिंता होने लगती है। कई बार ये ब्रह्मांडीय अवशेष अपनी परिक्रमा परिधि से छिटक कर पृथ्वी की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारे ग्रह का सघन वातावरण इनमें से ज्यादातर को भाप बनाकर उड़ा देता है, लेकिन कोई बड़ी चीज हमारे वातावरण से गुजरकर पृथ्वी की सतह से टकरा भी सकती है। अगर आप ब्रह्मांड की उन ताकतों के बारे में जानना चाहते हैं जो हमारी जान ले सकती हैं, तो एस्टेरॉयड ऐसे ही खतरे हैं। ये पहले भी पृथ्वी पर हमला कर चुके हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। 6.5 करोड़ साल पहले की बात है। एक छोटे शहर के आकार वाला एस्टेरॉयड आसमान से नीचे गिर पड़ा। इससे युकाटान पेनिनसुला में मौजूदा मेक्सिको के एक गांव चिक्सोलूब में 10 करोड़ मेगाटन टीएनटी की ताकत वाला विस्फोट हुआ। एस्टेरॉयड के जमीन से टकराने से पृथ्वी की करोड़ों टन ऊपरी परत एटमॉस्फेयर में फैल गई, जिससे सूर्य की रोशनी छिप गई, फूड चेन टूट गई और हमारी धरती पर पूरा जीवन ही विलुप्त हो गया। माना जाता है कि इसके जबरदस्त असर की वजह से डायनासोर्स का पूरी तरह सफाया हो गया था। हम एस्टेरॉयड्स को बुरी चीज समझते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अगर एस्टेरॉयड ना होते तो आज हम भी यहाँ ना होते। हमारे मैमल्स विशाल टीरेक्स के पैरों के नीचे दबने से बचने के लिए इधर उधर भागते रहते। टीरेक्स के खत्म होने की वजह से ही ऐसी इकोलॉजिकल कंडीशंस पैदा हुई जिनके कारण हमारे मैमल एंसेस्टर्स किसी चूहे से ज्यादा महत्वाकांक्षी जीव के रूप में विकसित हो पाए। इससे प्राइमेट्स का जन्म हुआ और प्राइमेट्स से इंसान का। लेकिन ये विडंबना ही है कि अंतरिक्ष से आई जिस विशाल चट्टान की वजह से आज इंसान पृथ्वी पर मौजूद हैं, उसी की वजह से एक दिन शायद हमारा नामो निशान पृथ्वी से मिट जाएगा। '98 में कांग्रेस ने नासा से ऐसे सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने को कहा जिनका व्यास आधा मील या उससे ज्यादा था। उन्होंने जो बात पता लगाई वो बहुत परेशान करने वाली थी। हमारे आसपास ऐसे 850 से ज्यादा एनियोज हैं। ये एस्टेरॉयड्स सौर प्रणाली में हमारे सबसे नजदीकी और सबसे खतरनाक पड़ोसी हैं। डोनाल्ड यूमंस नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में एनईओ प्रोग्राम के हेड हैं। वो तथा ऐसी ब्रह्मांडीय चीजों को खोजने वाले उनके साथी हमारी सौर प्रणाली में मंडराते इन संभावित हथियारों की तलाश करते हैं और इन्हें अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। इन नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को खोजना हरिकेन्स का पीछा करने जैसा ही है। आप रोजाना जब इनका पीछा करते हैं तो इनके ऑर्बिट के बारे में बेहतर जानकारी पा लेते हैं। आप पहले से बता सकते हैं कि ये कहां जाएगा, इसका आकार क्या है और इसके धरती से टकराने की रफ्तार क्या होगी। टेलीस्कोपिक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके नासा के स्पेस गार्ड सर्वे ने पता लगाया है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स में से 90% से भी ज्यादा खतरनाक हैं।
इन डरावनी चीजों की ऊर्जा आज हमारी पृथ्वी पर मौजूद सारे परमाणु हथियारों से भी ज्यादा हो सकती है। इस जबरदस्त असर के कारण तो सारी दुनिया का सफाया हो सकता है। आप दुआ करेंगे कि ऐसी कोई बड़ी चीज पृथ्वी से न टकराए, लेकिन अगर कभी ये पृथ्वी से टकराती है तो ये आबादी के काफी बड़े हिस्से का सफाया कर सकती है। ऐसी घटनाओं की आशंका तो कम होती है, लेकिन इससे नुकसान बहुत होता है। अगर ऐसी कोई चीज पृथ्वी से टकराई तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा। इससे पैदा होने वाली जबरदस्त तरंगों से सिर्फ एक महाद्वीप का ही सफाया नहीं होगा, बल्कि ये चीज पूरी पृथ्वी पर ही अपना जबरदस्त असर छोड़ेगी, जिससे तापमान 1000 डिग्री के आसपास हो जाएगा और पूरी दुनिया के पेड़ पौधों में आग लग जाएगी। ऐसी कुदरती आफत छोटे आकार वाली चीजों से भी हो सकती है, इसलिए अब कांग्रेस ने नासा से 500 फुट व्यास वाले यानी रोमन कोलोजियम जितने बड़े सभी एनईओ का पता लगाने को कहा है। इतनी बड़ी चीज किसी शहरी इलाके या छोटे मोटे राज्य को नेस्तनाबूद कर सकती है। वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चिंता उन एस्टेरॉयड्स की नहीं है जिन्हें उन्होंने खोज लिया है, उन्हें चिंता अनखोजे एस्टेरॉयड्स की है। किसी भी समय ऐसे 2 दर्जन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पृथ्वी से टकराने से इनकार नहीं किया जा सकता। पूर्व अंतरिक्ष यात्री श्वाइकार्ट तो एनईओ के खतरे को एक कदम और आगे ले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से अनुरोध किया है कि एक ऐसी विशेष सरकारी एजेंसी बनाई जाए जो आम जनता को आसमान से गिरने वाली चट्टानों से बचा सके। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को पृथ्वी पर टकराने से रोक सकते हैं। अब हम अपने सोलर सिस्टम को नया आकार दे सकते हैं ताकि हमारी जिंदा रहने की संभावनाएं बेहतर हो जाएं। अब सवाल ये है कि क्या हम बचे रहेंगे या हमारा अंजाम भी डायनासोर जैसा ही होगा। लेकिन श्वाइकार्ट इस समस्या के समाधान के लिए नासा या कांग्रेस का इंतजार नहीं कर रहे हैं। पृथ्वी को अगले एस्टेरॉयड की टक्कर से बचाने के लिए उनके पास अपनी योजनाएं हैं। ये मानना मुश्किल है कि पृथ्वी 4.5 अरब साल से बची हुई है, क्योंकि अपने जन्म के समय से ही ये ग्रह मुसीबतें झेलता आया है। किसी बॉक्सर की तरह हमारी ये दुनिया हर साल हमारी परिधि में दाखिल होने वाले एस्टेरॉयड्स के हमले को लगातार झेलती रहती है, लेकिन भविष्य में पृथ्वी का पूरी तरह सफाया हो सकता है। अलबत्ता अपोलो 9 के पूर्व अंतरिक्ष यात्री रस्टी श्वाइकार्ट एस्टेरॉयड्स के सामने हार नहीं मानते और अब वो पृथ्वी को इन नुकसानदायक चट्टानों से बचाने के लिए तैयार हैं। हमने ये खोजा है कि ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हर समय हमारे आसपास से उड़ते रहते हैं और अपने एटमॉस्फेयर को सुधार कर जिंदा रहने की हमारी क्षमता भी पहले से बेहतर हुई है। श्वाइकार्ट एक एस्टेरॉयड को लेकर खास तौर पर चिंतित हैं, जिसका नाम है 2004 MN4 यानी एपोफिस। इस चट्टान का व्यास तकरीबन 750 फुट है और ये 2004 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरी थी। अब ये शुक्रवार 13 अप्रैल 2029 को एक बार फिर हमारे ग्रह के बहुत नजदीक से गुजरेगी। 2029 में तो अपोफिस पृथ्वी की परिक्रमा करते हमारे संचार उपग्रहों से भी ज्यादा करीब आ जाएगा। ये इतना करीब होगा कि जो लोग पृथ्वी पर सही जगह पर होंगे वो अपोफिस को अपनी आंखों से देख पाएंगे। ये एस्टेरॉयड इतना नजदीक होगा कि बाइनोकुलर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 99% से भी ज्यादा संभावना इस बात की है कि 2029 में ये पृथ्वी से नहीं टकराएगा। लेकिन अगर एपोफिस 18,893 मील की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरा तो ये एक ग्रेविटेशनल की होल के बीच से गुजर सकता है। अंतरिक्ष में ये संकरा स्थान आधा मील चौड़ा होता है। अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण एपोफिस को अस्थिर करके इसके रास्ते को बदल सकता है और फिर ये 13 अप्रैल 2036 को 7 साल बाद लौटकर पृथ्वी से टकरा सकता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से ये मुड़ जाएगा, इससे एपोफिस का ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा
और फिर 7 साल बाद ये वापस आकर पृथ्वी से टकरा जाएगा। फिलहाल इस बात की 1/45,000वीं संभावना है कि सन 2036 में अपोफिस धरती से घातक रूप से टकराएगा। लेकिन वैज्ञानिक इतनी छोटी आशंका की अनदेखी को भी तैयार नहीं है। ये जानना एक बात है कि इसके पृथ्वी से टकराने की 1/45,000वीं संभावना है, लेकिन अगर ये संभावना 100 में से 1 हो या फिर 10 में से 1, तो भी क्या इसकी पृथ्वी से टकराने की पूरी संभावना है? श्वाइकार्ट का मानना है कि हमें एपोफिस को किसी भी कुदरती हादसे जैसा ही समझना चाहिए। उन्होंने तो ये पैमाइश तक कर ली है कि एपोफिस कहां टकराएगा। हमारे पास टकराने की तारीख है, समय है, इसका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन है और हम एक नक्शा भी बना सकते हैं। और इस नक्शे में दिखाई गई जगह को मैं पाथ ऑफ रिस्क कहता हूँ। ये पूरे के पूरे ग्रह पर फैला है। इस पर नजर डालते हुए मुझे टक्कर की काफी संभावना नजर आती है, और सवाल यह है कि आखिर ये टकरा कहां सकता है। श्वाइकार्ट के मुताबिक वो इस जोखिम वाले रास्ते पर किसी भी जगह टकरा सकता है। इसकी शुरुआत पश्चिमी साइबेरिया से होती है और ये कैलिफोर्निया के नजदीक प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, फिर ये मध्य अमरीका से होता हुआ पश्चिमी अफ्रीका पर जाकर खत्म होता है। श्वाइकार्ट के मुताबिक एपोफिस के टकराने वाली जगह डर पैदा करती है। ये एस्टेरॉयड कैलिफोर्निया के तट के नजदीक प्रशांत महासागर में 10 लाख मेगाटन टीएनटी से भी ज्यादा ताकत के साथ गिर सकता है। इस जबरदस्त टक्कर से पानी में 5 मील चौड़ा और 9000 फुट गहरा गड्ढा पैदा हो जाएगा, जिससे सुनामी लहरें पैदा होंगी। 50 फुट ऊंची बेकाबू लहरें तट को रौंद देंगी और बेहिसाब लोग मारे जाएंगे। 1000 फुट व्यास वाले किसी एस्ट्रॉइड का समुद्र में गिरना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि इससे अरबों खरबों डॉलर मूल्य का नुकसान होगा। ये एक अंदाजा है। वैज्ञानिक फिलहाल ऐसे किसी कॉस्मिक स्ट्राइक को पहले ही नाकाम करने की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। एक विचार एस्ट्रॉइड को बीच में ही विस्फोट से उड़ाने का है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इससे समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि तब पृथ्वी की तरफ एक के बजाय एस्टेरॉयड के कई टुकड़े रवाना होंगे। परिणाम स्वरूप श्वाइकार्ट का नया उद्देश्य है पृथ्वी से टकराने वाले संभावित एस्टेरॉयड के ऑर्बिट को ही बदल देना। हम दरअसल एस्टेरॉयड के रास्ते को बहुत थोड़ा सा बदल देना चाहते हैं। हम इसकी रफ्तार को प्रति घंटा सिर्फ 1 मील के 10,000वें हिस्से से बदलना चाहते हैं, ताकि ये पृथ्वी से ना टकराए। रस्टी के साथियों ने ऐसे स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन बनाए हैं जो एस्टेरॉयड खासकर एपोफिस की दिशा बदल सकें। ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट खतरनाक एस्टेरॉयड्स को पृथ्वी से दूर धकेल देगा, लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट इस चट्टान को खुद खींचने के बजाय इसके आगे मंडराने लगेगा और गुरुत्वाकर्षण को एक टो लाइन की तरह इस्तेमाल करेगा। अगर आप किसी एस्ट्रॉइड के आगे काफी लंबे समय तक रहें और आप बिना इसे छुए इसके नजदीक बने रहें, तो इससे इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप इसके चलते समय इसके पीछे रहें, तो इससे इसकी रफ्तार जरा सी कम हो जाएगी। हमें अगर पर्याप्त समय रहते किसी एस्ट्रॉइड के बारे में पता चल जाए, तो हम इसके ऑर्बिट को बदल सकते हैं। हालांकि अतीत में एक स्पेस प्रोब एक एस्टेरॉयड पर उतर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण आइडिया है इस पर किसी ऐसे मिशन को लॉन्च करना जिसमें इंसान मौजूद हो। इस चट्टान पर उतरने के बाद अंतरिक्ष यात्री इसके बारे में पता लगाने के लिए इस पर एक रेडियो ट्रांसपॉन्डर लगा सकते हैं। किसी एस्टेरॉयड पर जाने के लिए आप रोबोटिक मिशन के जरिए इस पर उतर सकते हैं, इसका सैंपल ले सकते हैं और उसे वापस ला सकते हैं। ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंसान वाले मिशन का फायदा यह है कि वो एस्टेरॉयड की सतह पर मौजूद दिलचस्प हिस्सों का पता लगा सकते हैं, वो उस पर चहलकदमी कर सकते हैं और उन्हें रिमोट नेविगेशन पर निर्भर नहीं करना पड़ता।
श्वाइकार्ट का कहना है कि हमें एस्टेरॉयड एपोफिस के मामले में बेहद चौकन्ना रहना पड़ेगा और उनकी इस चेतावनी की तरफ लोगों का ध्यान गया भी है। अब संयुक्त राष्ट्र एक ट्रीटी बनाने की सोच रहा है जिसमें वो लोग शामिल होंगे जिनकी जिम्मेदारी घातक एस्टेरॉयड्स की दिशा बदलने की होगी। ये तो सचमुच एक अपराध होगा कि हम इतने गैर जिम्मेदार हैं कि ये जानते हुए भी कि ऐसा होने वाला है हम इस सिलसिले में कुछ ना करें। लेकिन सिर्फ एस्टेरॉयड और कॉमेट ही दूर अंतरिक्ष में मौजूद एकमात्र खतरे नहीं हैं। पृथ्वी ने चढ़ाव देखा है और उतार भी देखा है और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कुछ नहीं मालूम क्योंकि खतरे अनजान हैं। दूर दराज की आकाश गंगाओं में ऐसे ब्रह्मांडीय हमलावर सक्रिय हैं जो हमारे ग्रह पर जीवन को कभी भी खत्म कर सकते हैं। दिन में रोजाना 3 बार हमारे आसमान में एक अजीब सी बिजली चमकती है। ये दुनिया के कुल परमाणु हथियारों से कई 100 गुना ज्यादा ताकतवर है लेकिन ये मानव निर्मित नहीं है और ये अगर पृथ्वी के काफी नजदीक आ जाए तो ये हमारे ग्रह पर जीवन को खत्म कर सकती है। पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर लोग अंतरिक्ष में मौजूद संभावित खतरों से अनजान हैं, लेकिन ऐसे खतरों की सूची लंबी है और लगातार बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में एक विशाल तारे में विस्फोट होता है। इससे जबरदस्त ऊर्जा हमारे ग्रह की तरफ बढ़ती है। ये गामा रे बर्स्ट है यानी बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड को हिलाकर रख देने वाला सबसे बड़ा विस्फोट। पृथ्वी पर मौजूद शहरों और देहाती इलाकों को होने वाली इस घटना के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिलती और फिर ये हमला होता है। ये कुछ यूं होगा जैसे पृथ्वी पर कहीं भी हिरोशिमा से आप केवल 1 मील की दूरी पर खड़े हों। जबरदस्त रेडिएशन से ऊपरी वातावरण बुरी तरह गर्म हो जाएगा। हमारी ओजोन परत जल जाएगी। पूरे हेमिस्फीयर में इंसान सामान्य रेडिएशन से 100 गुना ज्यादा विकिरण के कारण जलकर मर जाएंगे। ओजोन परत के गायब होने से पूरी दुनिया में तापमान बढ़ जाएगा जिससे साइक्लोन, सुनामी और हरिकेन्स की शुरुआत हो जाएगी। पानी और जमीन की सतह पर मौजूद ज्यादातर जीव जलकर खाक हो जाएंगे। ये बात किसी विज्ञान कथा जैसी लग सकती है लेकिन अगर कोई गामा रे विस्फोट पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष दूर से भी टकराए तो ऐसा हो सकता है। गामा रे विस्फोट यूनिवर्स में सबसे चमकदार विस्फोट होते हैं क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी बहुत चमकदार होते हैं, इसलिए उनमें जरूर इतनी जबरदस्त ताकत होती होगी जितनी कि सूर्य अपने 10 अरब साल के जीवन काल में छोड़ेगा। अपने किशोर काल में स्टैन वूसली को हमेशा धमाके वाले प्रयोग पसंद थे लेकिन आज इस एस्ट्रोफिजिसिस्ट का काम गंभीर हो गया है। वो उन ब्रह्मांडीय जासूसों में से एक हैं जो गामा रे विस्फोटों से जुड़े रहस्यों का खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे ग्रह और तारे हैं, इसलिए ऐसी बेमिसाल सभ्यताएं होंगी जिन्हें गामा रे के विस्फोटों ने तबाह कर दिया होगा। रेडिएशन की इन विचित्र बीम्स को पहले पहल 1960 के दशक में खोजा गया था। शुरू में ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि गामा रे के विस्फोट क्योंकि इतने चमकदार होते हैं इसीलिए हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे में मौजूद होंगे। और इसके कारण भी थे। एक कारण ये था कि अगर ये हमारी गैलेक्सी के बाहर थे तो फिर इनकी एनर्जी गजब की थी। लेकिन उस समय सबसे ताकतवर टेलीस्कोप भी उनकी स्थिति और दूरी का अंदाजा नहीं लगा सकते थे क्योंकि ये विस्फोट कुछ एक सेकंड चलते थे और फिर गायब हो जाते थे। लेकिन फिर एस्ट्रोनॉमर सोचने लगे कि क्यों ना इनके बाद होने वाली चमक पर ध्यान लगाया जाए। अंतरिक्ष में होने वाले धमाकों के बाद आमतौर पर पीछे चमकदार अवशेष रह जाते हैं जो कभी कभी कई दिनों या हफ्तों तक भी मौजूद रहते हैं।
1990 के दशक के बाद के वर्षों में उपग्रह उन्नत ऑप्टिक्स और एक्सरे डिटेक्टर इस्तेमाल करने लगे, जिससे गामा रे के विस्फोटों के बाद नजर आने वाली चमक को दर्ज किया जा सका। यह साफ हो गया कि गामा रे के धमाके दरअसल कॉस्मोलॉजिकल घटनाएं थी जो हमारी गैलेक्सी से करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स दूर थी और उनसे निकलने वाली एनर्जी बहुत ज्यादा थी। गामा रे के धमाकों की चमक कितनी ज्यादा होती होगी ये जानने के लिए आप हमारे सूर्य और इस एलईडी की मामूली रोशनी की तुलना कर सकते हैं। मेरे पीछे जो बहुत तेज सर्च लाइट लगी हुई है, गामा रे के धमाके की चमक की तुलना इससे की जा सकती है। ये बहुत ही चमकदार है। बदकिस्मती से इस तुलना के जरिए ये नहीं बताया जा सकता कि सर्च लाइट की चमक गामा रे के धमाके जितनी ही है। दरअसल हमें सही तुलना के लिए कम से कम 100 खरब ऐसी सर्च लाइट्स की जरूरत होगी। गामा रे का धमाका 1 करोड़ खरब सूर्यों की चमक के बराबर होता है। ये जबरदस्त चमक पृथ्वी को खत्म कर सकती है, लेकिन ये पैदा कैसे होती है? तो इस बात से हम काफी सहमत हैं कि गामा रे की चमक किसी विशाल तारे के खत्म होने से पैदा होती है, जिसका आकार सूर्य से 10 गुना बड़ा होता है, और ऐसे तारे कम ही होते हैं। वूसली ने गामा रे विस्फोट की तुलनात्मक रचना के लिए एक अनोखा मॉडल तैयार किया। जब कोई बेहद विशाल तारा खत्म होता है तो ये एक ब्लैक होल में समा जाता है। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब बहुत सारी सामग्री इतने ज्यादा घनत्व में बदल जाती है जिससे खुद प्रकाश भी नहीं निकल सकता। लेकिन वूसली बताते हैं कि कुछ तारे ब्लैक होल के केंद्र में खिंच जाने से खुद को बचाए रखते हैं। इसके नतीजे में तेज रफ्तार वाली सामग्री की एक घूमती हुई डिस्क इसके इर्द गिर्द बन जाती है। कुछ ही सेकंड में प्लाज्मा के जेट्स इसके घूमते हुए पोल से बाहर निकलने लगते हैं। ऊर्जा की यही बीम्स अंतरिक्ष में खतरनाक गामा रेज छोड़ती हैं। आप सोचिए कि आप किसी फल या किसी और चीज को किसी बहुत छोटी सी चीज में जबरदस्ती घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें से सामग्री बाहर निकलती है। लेकिन इस मामले में ये क्रिया बहुत तेजी से की जाती है और इसका आकार भी बड़ा होता है। जिस समय गामा रे विस्फोट हो रहे होते हैं, तभी दम तोड़ता हुआ तारा फट जाता है या अपने चरम पर पहुंच जाता है। गामा रे के धमाके इतने चमकदार होने की एक वजह यह है कि इनमें जबरदस्त ताकत होती है, और फिर ये इस ताकत को आकाश के एक बहुत छोटे से हिस्से में केंद्रित कर देते हैं। आसमान में होने वाले हर 300 गामा रे धमाकों में से सिर्फ एक ही हमारी दिशा में होता है, लिहाजा वही एक धमाका हमें नजर आता है। बेशक गामा रे का कोई धमाका पृथ्वी से 100 नहीं बल्कि 1000 प्रकाश वर्ष दूर हो, तो भी पृथ्वी पर अकल्पनीय तबाही हो सकती है। अगर गामा रे का विस्फोट पृथ्वी से 1000 लाइट ईयर की दूरी के भीतर होता है, तो ये गामा रेज को छोड़ने के मामले में सूर्य से भी 500 गुना ज्यादा चमकदार होगा। पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में इससे 1,00,000 मेगाटन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जितनी एनर्जी पहुंचेगी। ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पर एसिड की बारिश होगी, लेकिन साथ ही हमारे शरीर झुलस जाएंगे, सब्जियां झुलस जाएंगी, और शायद न्यूक्लियर विंटर जैसे हालात बन जाएं। यानी पूरी दुनिया में बहुत सी प्रजातियों का नामोनिशान मिट जाएगा। ऐसे में पृथ्वी का दूर वाला हिस्सा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि गामा रेज पृथ्वी के पार नहीं पहुंच पाएंगी, और अगर आप इसके दूसरी ओर हुए तो आपके शरीर झुलसेंगे नहीं। लेकिन ओजोन के खत्म होने और एटमॉस्फेरिक बैलेंस बिगड़ने का असर आखिर में पृथ्वी के इस दूसरे हिस्से में भी पहुंच जाएगा, और उसके जो असर होंगे उनके बारे में कोई नहीं जानता। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पृथ्वी के पूरे जीवन काल में ऐसी घटना घटने की आशंका सिर्फ 1% है। लेकिन फिर भी अगर आप पृथ्वी पर रह रहे हैं तो ये बातें आपको परेशान करने के लिए काफी हैं। किसी बीम की चपेट में आ जाना बहुत ही खतरनाक होता है। अगर ऐसी कोई बीम आपकी गैलेक्सी में हो और वो आपकी तरफ आ रही हो, तो किसी गुफा में छिप जाइए, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त रेडिएशन होता है। इस किस्म की एनर्जी आपके शरीर के मॉलिक्यूल्स को खत्म कर सकती है। जब ऐसा हो रहा हो तो वहां से हटने की कोशिश करें। अगर गामा रे के ऐसे विस्फोट धरती के नजदीक हों, तो फिलहाल उनसे बचाव के कोई उपाय नहीं है। ये 1,86,000 मील प्रति सेकंड यानी रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं।
जब तक हम इनका पता लगा पाएंगे तब तक तो ये हमारे ग्रह पर हमला कर चुके होंगे। गामा रेस के विस्फोट से पृथ्वी या उसके बोर्ड साइड में आने वाली किसी भी जगह में रहने वाले जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं ये बहुत कम आती हैं। आसमान में और धरती पर ऐसी दूसरी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। ब्रह्मांड के किसी कोने में जबरदस्त गड़बड़ियां नियमित रूप से होती रहती हैं, और ऐसी ही कोई चीज किसी दिन पृथ्वी को निस्तनाबूद कर देगी। सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी का घूमना इस फेरिस व्हील की तरह ही है। लाखों साल तक यही स्थिति बनी रह सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल ये आसान सफर खत्म होने वाला है, और हम ये नहीं जानते कि ऐसा कब होगा। बदकिस्मती से हमारे ग्रह की मौत शायद उसी चीज से होगी जो हमें जीवन मुहैया कराती है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है, इसलिए यहां जीवन शांति से चलता रहता है। 4 अरब साल से भी ज्यादा समय से सूर्य पृथ्वी का साथी बनकर हमारे ग्रह को गर्मी और भोजन देता रहा है, लेकिन समय के साथ साथ हमारा अपना ये सोलर हीटर ही हमारा दुश्मन बन जाएगा। सूर्य और पृथ्वी का एक दूसरे के साथ एक अनूठा रिश्ता है। पृथ्वी का एक खास तापमान और एक खास आकार है। इस पर जीवन मौजूद है, महासागर हैं, और ये चीजें सूर्य पर निर्भर हैं। पृथ्वी पर जो जीवन है सूर्य उसका दाता है, और सूर्य ही इसके अंत की वजह भी बनेगा। सूर्य के साथ पृथ्वी का रिश्ता तब गड़बड़ा जाएगा जब हमारे इस सौर भंडार की गर्मी और बढ़ जाएगी। सूर्य पहले से ज्यादा गर्म इसलिए होता है क्योंकि यह हाइड्रोजन को हीलियम में जला रहा है। हाइड्रोजन के 4 एटम से मिलकर हीलियम का 1 एटम बनता है। इसका मतलब यह है कि सूर्य के भीतर अब पहले से कम कण सक्रिय हैं, और इस प्रक्रिया का मतलब यह है कि सूर्य को अपना वजूद बनाए रखने के लिए पहले से ज्यादा गर्म और चमकदार होना होगा। जैसे जैसे सूर्य का मध्य वाला हिस्सा और गर्म होता जाएगा, इसके बाहर वाले हिस्सों का आकार बढ़ता जाएगा और वो लाल होते जाएंगे। बॉनफायर जलाते समय आप लकड़ी का ढेर लगाकर उसमें आग लगाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब काफी सारे लट्ठे जल जाते हैं और ये ढेर ढह जाता है। तब अचानक ढेर सी चिंगारियां निकलती हैं और आग ज्यादा चमकदार हो जाती है। इसी तरह सूर्य फिलहाल हाइड्रोजन को जलाकर हीलियम में बदल रहा है, और हीलियम एक तरह से राख है। जब सूर्य काफी जल चुका होगा तो राख फिर से जलेगी और हीलियम जलकर कार्बन में बदल जाएगी। ऐसे में तापमान वाकई बहुत गर्म हो जाएगा। उस समय सूर्य आग का एक विशाल लाल गोला बन जाएगा और पृथ्वी पर मौजूद ज्यादातर जीवों को जलाकर राख कर देगा। जब सूर्य आग का एक ऐसा विशाल गोला बन जाएगा तो ये अपने आकार से 30 गुना ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह सूर्य की सतह मर्क्यूरी के ऑर्बिट से भी आगे निकल जाएगी। तब सूर्य की चमक 1000 गुना बढ़ जाएगी, और इससे पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि पृथ्वी की आउटर क्रस्ट, चट्टानें और इसका ठोस हिस्सा पिघल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्लेनेट लावा की एक चमकती हुई गेंद बन जाएगा। सूर्य करीबी ग्रहों को भून कर रख देगा, और हालांकि सूर्य खुद लाल और ठंडा हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी कहीं ज्यादा गर्म हो जाएगी। ये किसी धधकते कोयले जैसी हो जाएगी, और ये पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए बुरा होगा। पृथ्वी की बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं होगी। एक विशाल लाल गेंद के रूप में सूर्य का आकार घटेगा और बढ़ेगा, और फिर ये किसी सफेद गोले जैसा विखंडित हो जाएगा। बहुत बड़े आकार वाला सूर्य अचानक से बहुत छोटा हो जाएगा, और इसका आकार सिर्फ पृथ्वी जैसा रह जाएगा, और ये पहले से कहीं कम चमक वाला होकर हमारे सोलर सिस्टम के बीच में आ जाएगा, और फिर सब कुछ ठंडा हो जाएगा। अब ये चीज एनर्जी पैदा नहीं करेगी और ठंडी हो जाएगी, तो सोलर सिस्टम आखिरकार ठंडी होकर जम जाएगी। इससे पहले कि सूर्य पृथ्वी को बर्फ की गेंद में बदल दे, इंसान या तो किसी दूसरे ग्रह पर जा बसेंगे या विलुप्त हो जाएंगे। लेकिन सूर्य हमारी दुनिया को इससे काफी पहले ही सुखा डालेगा। शायद इस बात की नौबत ही ना आए कि सूर्य जब विशाल लाल गोला बने पृथ्वी पर जीवन तब खत्म हो। इससे पहले ही जब सूर्य की चमक बढ़नी शुरू होगी तो महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे,
पानी जीवन के लिए एक जरूरी तत्व है, इसलिए अगर पृथ्वी से सारा पानी गायब हो गया तो भी यहाँ से जीवन खत्म हो जाएगा, और ये एक बार फिर सूर्य की वजह से ही होगा। लेकिन धरती के पास इस प्रलय से बचने के लिए कुछ रास्ते हो सकते हैं। जब सूर्य का आकार बढ़ेगा तो आज के मुकाबले ये ज्यादा तेजी से घटना शुरू हो जाएगा। इसका मास कम हो जाएगा, धरती पर इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। इस कारण पृथ्वी एक ज्यादा बड़े ऑर्बिट में चली जाएगी। इसलिए बढ़ते आकार वाले सूरज और उससे बढ़ती गर्मी तथा पृथ्वी के बीच एक तरह की दौड़ पैदा हो जाएगी और पृथ्वी लगातार दहकती इस आग से थोड़ी दूर खिसक जाएगी। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के कारण किसी तरह ज्यादा गर्म होने या जमने से बच भी गई तो भी इसका भविष्य अंधकारमय ही है। ये जगह एडवेंचर से भरी है। इन राइड्स में आपका कलेजा मुंह को आ जाता है। यहाँ चीजें आपस में टकराती रहती हैं। माहौल बहुत डरावना है। ये ऐसा ही है जैसे पृथ्वी पर बैठकर सूर्य के चारों ओर चक्कर काटना। लेकिन जब पृथ्वी को झटका लगता है या हालात बिगड़ जाएं तो ये राइड भी खत्म हो सकती है। मैं नहीं जानता कि ब्रह्मांड के खत्म होने के हिसाब से इसका क्या मतलब है, क्योंकि मैं टाइम को पसंद करता हूँ। मैं इसमें रहता हूँ, इसलिए इसके खत्म होने की कल्पना करना मुश्किल है। आज वैज्ञानिक हमारे अंजाम के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। सुदूर भविष्य में पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को किसी चरम ब्रह्मांडीय दानव को झेलना होगा। किसी को भी ये आशंका नहीं है कि पृथ्वी का सबसे खतरनाक दुश्मन सितारों के बीच मंडरा रहा है। लेकिन भविष्य में बिना कोई चेतावनी दिए कोई ब्रह्मांडीय दानव महाविनाश की शुरुआत कर देगा। ये खलनायक पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। इसके कारण आकाशगंगाएं बंट जाएंगी, सितारों और ग्रहों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस महाविनाश की घटना को बिग रिप कहा जाता है, और एक बार शुरू हो जाने पर यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि ब्रह्मांड में मौजूद हर एटम और न्यूक्लियाई चूर चूर नहीं हो जाता। बिग रिप में सचमुच ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि हम बचने वाले आखिरी लोगों में से होंगे और इससे बचे रहने के लिए कुछ कर पाएंगे। तब कुछ यूं लगेगा जैसे सारी रोशनियां बुझ गई हों और ब्रह्मांड का अंत हो गया हो। और जारी रहेगा, बल्कि इसमें सब कुछ टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कोल्डवेल और कॉमियन कोवस्की ने गणना की कि ब्रह्मांड एक चिंताजनक और लगातार बढ़ती रफ्तार से फैल रहा है, और कोई चीज हर वस्तु को किसी वैक्यूम की तरह बाहर की तरफ खींच रही है। किसी गैलेक्टिक वाइस स्क्वाड की तरह ये युवा वैज्ञानिक इस कॉस्मिक किलर की खोज में हैं। उनका मानना है कि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय घटना शायद इसके लिए जिम्मेदार हो। डार्क एनर्जी शायद आज कॉस्मोलॉजिस्ट्स के लिए बहुत अहमियत रखती है। डार्क एनर्जी दरअसल एक अंधेरी चीज है जिसे आप देख नहीं सकते, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ब्रह्मांड पर इसके ग्रेविटी संबंधी प्रभावों को महसूस किया जा सकता है। इस कमरे में डार्क एनर्जी हो सकती है, जैसे इस कुर्सी के नीचे। लेकिन जब आप खरबों लाइट ईयर्स के बीच फैली किसी कॉस्मोलॉजिकल चीज के तत्वों पर नजर डालते हैं, तब आपको डार्क एनर्जी के मिले जुले प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। इसके कारण चीजें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, और इससे ब्रह्मांड का विस्तार भी काफी तेज होता चला जाता है। एडविन हबल ने सबसे पहले 1920 के दशक में ही पता लगा लिया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल टेलीस्कोप का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। लेकिन इस बात का पता 1998 में वैज्ञानिकों की एक क्रैक टीम ने ही लगाया कि यह विस्तार तो किसी दौड़ती रेलगाड़ी की तरह हो रहा है। आप इस बात को यूं समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड यानी हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस रबर के उस गुब्बारे की सतह जैसा है जिसे मैं अब फुला रहा हूं।
ये देखिए, मैं गुब्बारे को फुलाकर ब्रह्मांड पर फैलाव के प्रभावों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे जैसे गुब्बारा बड़ा होता जाएगा, आपको गैलेक्सी के फैलाव साफ नजर आने लगेंगे। ओके, ये एक गैलेक्सी है, यहाँ दूसरा है ये। और हमारी गैलेक्सी कहाँ है? हमारी गैलेक्सी यहाँ है। ओके, तो हम यहाँ रहते हैं। जब ब्रह्मांड फैलेगा तो हर गैलेक्सी हमसे और दूर होती जाएगी। अगर फैलाव सामान्य रूप से हो तो हर गैलेक्सी उसी आकार की रहेगी, लेकिन अगर फैलाव बहुत तेज गति से हो तो गैलेक्सीज भी फैलने लगेंगी, और फिलहाल वही हो रहा है। अगर मैं बिग्रिप वाली घटना दिखाने के लिए गुब्बारे में तेजी से हवा भरूं तो गुब्बारा फट जाएगा, यानी स्पेस भी ऐसी घटना को नहीं संभाल पाएगा और खत्म हो जाएगा। तो इसके बजाय हम गुब्बारे में एक छेद कर देंगे, क्यों? यही है बिग्रिप। कॉल्डवेल और कोमियान कोवस्की के मुताबिक इस बिग रिप में ब्रह्मांड के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इन लोगों ने तो इस महाविनाश की घटना की उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। बिग रिप तो जैसे सतह दर सतह ब्रह्मांड को बाहर से भीतर की तरफ तबाह करने की तैयारी शुरू कर चुका है। ये घटना विशालतम स्तर से सबसे छोटे स्तर के क्रम में होगी। गैलेक्सीज के क्लस्टर अलग होने में 1 अरब साल लगेंगे, फिर लाखों करोड़ों साल में गैलेक्सीज टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी, फिर सोलर सिस्टम के आकार वाली चीजों का नंबर आएगा जिसमें और लाखों साल लगेंगे। तो पृथ्वी के टुकड़े होने में तो शायद 1 घंटे से कम लगेगा। ये घटना कैसी होगी ये सोचना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं अपने प्रोटेक्टिव स्पेस कैप्सूल से इस घटना को होते हुए देखूंगा तो मुझे अंधेरे की एक दीवार अपनी तरफ बढ़ती नजर आएगी। तब मुझे सितारे नजर नहीं आएंगे, धरती परत दर परत उखड़ती जाएगी और खत्म हो जाएगी। जो मॉलिक्यूल्स और एटम हमारे शरीर को जोड़े हुए हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, और हमारे शरीर को बनाने वाले एटम बहुत थोड़े से समय में ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। खुशकिस्मती से बिग रिप के ख्याल को लेकर इंसान को अपनी नींद उड़ाने की जरूरत नहीं है। कॉल्डवेल और कोमियान कोवस्की का अंदाजा है कि इस घटना को होने में 50 अरब साल लगेंगे, जब ब्रह्मांड की आयु इसकी मौजूदा उम्र से 3 गुना से भी अधिक हो चुकी होगी। हमारे लिए सबसे मजेदार बात ये जानना होगी कि क्या वाकई ऐसा होगा और हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। इसे लेकर साइंस फिक्शन का सीन क्रिएट किया जा सकता है। दूर अंतरिक्ष से आने वाले खतरे वाकई असली हैं। इनमें से कुछ हमें कल नुकसान पहुंचा सकते हैं तो कुछ सुदूर भविष्य में। लेकिन एक बात तय है कि कोई ना कोई चीज पृथ्वी और शायद पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए खत्म जरूर करेगी। सवाल सिर्फ वक्त का है।